कि बालू सस्ता नहीं कीजिएगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और बार बार मैं आज भी कह रहा हूं कि बालू के विषय पर, अवैध शराब के निर्माण के विषय पर, बिहार के विधि और व्यवस्था के विषय पर, बिहार के विकास के विषय पर, बिहार से बेरोजगारी दूर करने के विषय पर, जब जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी साहसी माननीय मंत्रियों द्वारा कहा जाता था तो उनको गुस्सा आती थी, मिलते नहीं थे। अपने ही कैबिनेट के भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से माननीय मुख्यमंत्री जी मिलते नहीं थे और बार बार उनकी अवहेलना होती थी। और आज एक कहावत है कि अगर किसी के मुख में जहर डाल दिया जाए तो वह एक व्यक्ति मरता है, लेकिन अगर किसी के कान में जहर डाल दिया जाए तो उससे काफी काफी मौतें होती हैं। नीतीश कुमार जी के एक कान में ललन सिंह जी ने, दूसरे कान में उपेंद्र कुशवाहा जी ने ऐसा जहर डाला जो बिहार को बर्बादी के कागार पर ले जा रहा है, बिहार में जहर घोला जा रहा है, आज सामाजिक ताने बाने को तोड़ा जा रहा है, आज आरजेडी के गुंडे जिस प्रकार से तांडव करने लगे हैं और जितनी हत्याएं हो गई है इस 15-20 दिनों में, जितना लूट खसोट बलात्कार, महिलाओं की हत्या से लेकर जिस प्रकार से अपराध की प्रवृत्ति वाली जितनी भी घटनाएं होती है, आपराधिक घटनाएं जितनी हो रही है, यह बिहार के लिए दुर्भाग्य है। नीतीश जी को अब समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझ रहे हैं, चेहरे की मुस्कान समाप्त है। और आज आप सब जानते हैं, जरा उनको गौर से कीजिएगा, कल भी क्या हुआ, गया में चले गए, किसी के विश्वास और आस्था को उन्होंने तार तार कर दिया। मैं उसका विश्लेषण नहीं करना चाहता, लेकिन क्या हुआ विष्णुपद में,